तो हे गाइस, व्हाट्स अप, बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम कहाँ हैं भाई? तो पहले मैं लोकेशन की बात करता हूँ भाई। जो आप दूर में देख रहे हो वो है भाई काली पहाड़ी ब्रिज। काली पहाड़ी से ब्रिज से अगर आप निगाह की तरफ जाओगे तो ये आपका पड़ेगा गोविंदपुर, जो आपका मोर पड़ता है वहां से अंदर जाओगे। हम लोग अभी डीवीसी मोर में है और हम लोग आ जाए हैं भाई जसवाल ढाबा। भाई इसका मांग हो रहा था और ये जसवाल ढाबा का पहला वीडियो जो कि आप लोग देख रहे हो यूट्यूब पे, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग रहने वाला है क्योंकि भाई ये जसवाल ढाबा की जितनी बात करूं उतनी कम है। इसका एम्बियंस भी तगड़ा है, इसका लोकेशन भी तगड़ा है, नाम में ढाबा है, पूरा एसी रेस्टोरेंट है और प्लस भाई प्राइस भी बहुत ही सही है, बार भी है। आज का व्लॉग इसी पे है, जसवाल ढाबा पे। हम लोग अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे, जो भी टेस्ट करेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे। तो भाई अभी मैं मेन्यू कार्ड देख रहा था और मेन्यू कार्ड भाई देखा ना तो इतना सस्ता है यहाँ पे कि भाई बताना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो वैरायटी क्या क्या है, स्नैक्स वेज है, तंदूरी नॉन वेज है, तंदूरी वेज है, मेन कोर्स दाल सब्जी, कुंभ हो गया, मशरूम का हो गया, स्नैक हो गया, बहुत कुछ आइटम है भाई यहाँ पे। मतलब मोमोज हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, रोल, सैंडविच, ब्रेकफास्ट, चाइनीज, सूप, फिर आपका आलू चना पनीर, एग, फिश फ्राई, सबका अलग अलग कैटेगरी बांध दिया गया, मेन कोर्स नॉन वेज। और उसमें आपको जो भी वैरायटीज़ है, ठीक है, जैसे मान लो पनीर है तो पनीर में पनीर बटर मसाला शाही पनीर, पनीर दो प्याज़ा, कढ़ाई पनीर, तो वो आपका वैरायटी उसमें दिया हुआ है। तो भाई ये बहुत ही सही है, ठीक है। मेन्यू आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, पीछे ड्रिंक्स भी है और नान रोटी ब्रेड जो भी आपको चाहिए, ठीक है, वो भी है। तो मेन्यू तो एक्साइटिंग है, चलो आप देखते फूड क्या है। तो भाइयों ये देख सकते हो, स्टार्टिंग करते हैं अपना स्टार्टर के साथ में। और भाई ये नॉनवेज सा दिखने वाला वेज आइटम आ चुका है और इसका नाम भाई बहुत, मतलब ये एक यूनिक आइटम है जो कि मैं भी खुद फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने वाला हूँ भाई। इसका नाम है सोया चाप बर्रा और इसका प्राइस है 240 रुपीज भाई, ठीक है। और क्या ही मस्त गार्निश करके दिया गया, आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मैं नहीं रोक पा रहा हूँ खुद को इसको ट्राई करने से। साथ में अपनी ग्रीन चटनी दी हुई है, ठीक है, जो भी आपको भी पता है ये तो कम्प्लीमेंट्री होता ही है और साथ ही साथ इसके बिना टेस्ट भी नहीं आएगा, फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो ये आप सोया चाप ही है, ठीक है, और इसको इसका जो मेन है इसका फ्लेवर जैसा आता है वो डिपेंड करता है क्योंकि सोया चाप तो हम बहुत जगह खा चुके हैं लेकिन इसका फ्लेवर मेन डिपेंड करता है। तो चलो इसको डिप करते हैं भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है, अब से ट्राई करते हैं। जिस तरह का फ्लेवर है भाई इसका माइंड ब्लोइंग है, इसका मसाला से लेके एक एक चीज चाप के अंदर घुल सा गया, मतलब अगर आपके माउथ में जा रहा है चटनी के ऊपर सा फ्लेवर है वो ख़त्म होगा, इसका अपना फ्लेवर आएगा वो ख़त्म होगा, उसके बाद सोया चाप का फ्लेवर आएगा, माइंड ब्लोइंग है, इससे बेस्ट स्टार्टर हो ही नहीं सकता। तो चलो चलते हैं भाई दूसरे डिश की ओर, देखते हैं क्या वो डिश इसी की तरह है कि नहीं। तो भाई वो हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो आ चुका है भाई, तंदूरी वेज मोमोज, ठीक है। ये बचा कुचा प्लेट जो आपको लग रहा है यही है हमारा प्लेट, ठीक है। तो मेरे साथ है भाई राहुल भैया, राहुल लोग आसनसोल, और साथ ही साथ शिव भैया एस फ्लाइंग SPV। तो भाई इसी कारण से ये प्लेट बचा कुचा लग रहा है लेकिन भाई अगर ये फुल प्लेट आप मंगाओगे तो एकदम भाई 6 पीसेज मिलेंगे, 6 मोमोज आपको मिलेंगे फुल प्लेट में और गार्निशिंग भी बहुत तगड़ा है, ब्लैक प्लेटिंग है भाई और साथ में मिलता है मेयोनीज और हॉट गार्लिक, ठीक है। तो भाई चलो ट्राई करते हैं। अगर तंदूरी मोमोज की बात करूँ तो भाई देख सकते हो साइज़ तो बहुत ही बड़ा है और प्लस देख के ही भाई तंदूर का तो है भाई, साथ ही साथ स्मोकी फ्लेवर तो मुझे लग रहा आएगा और साथ ही साथ जूसी भी है अंदर से, तो ठीक है। तो ट्राई करते हैं एक बार, सबसे पहले एक बार मेयोनीज के साथ ट्राई कर लेते हैं, यहाँ मेयोनीज के साथ लेते हैं इसको, देख सकते हो भाई मेयोनीज की थिकनेस बहुत ही अच्छी है,
इसके साथ ट्राई करते एक बार। आउटर लेयर का स्मोकी फ्लेवर तो नो डाउट है क्योंकि ये तंदूरी मोमोज है, तंदूर में गया है, और अंदर से इसका जूसीनेस अपना खुद का आ रहा है, वेजीज का जो टेस्ट है अपना खुद का आ रहा है। अब मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है भाई, अब मैं लेने वाला हूँ एक बड़ा बाइट हॉट गार्लिक के साथ में। मोमोज प्लस हॉट गार्लिक, इसका टेस्ट ही अजब लगता है भाई। देख सकते हो, इसका खुद भी देख सकते हो कुछ ग्रेन पार्टिकल्स है, मतलब भाई इसमें भी फ्लेवर्स तो भरपूर है। ट्राई करते हैं इसे। रियली ऑसम, इतना प्यारा है, इतना डिलीशियस है ना ये, मुंह में जाते ही स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, गार्लिक हॉट सॉस का अपना अलग फ्लेवर आ रहा है, खतरनाक है भाई एकदम। तो बहुत ही मस्ट ट्राई करने वाला आइटम, अगर आप मोमो लवर हो तो जयसवाल ढाबा आना आपका बनता है भाई। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ, नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज, हमारा देख सकते हो मेन कोर्स आ चुका है, और मेन कोर्स में भाई वेराइटी देखो भाई, गजब है। यहाँ पे भाई नॉन वेज आइटम है, यहाँ पे वेज आइटम है, लेकिन दोनों में आप फर्क नहीं बता पाओगे, दोनों का कलर एकदम सिमिलर है, एकदम आइडेंटिकल एक दूसरे से। भाई यहाँ पे है हमारा देख सकते हो चिकन बटर मसाला, इसका प्राइस भाई 280 रुपीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे बटर और गार्निशिंग तो बहुत ही सही है भाई। और ये है हमारा पनीर कढ़ाई या कढ़ाई पनीर, जो भी आप कहना चाहो, इसका 260 रुपीज़ प्राइस है। हमारा लच्छा है, देख सकते हो एक लच्छा का कितना बड़ा साइज़ है भाई, मेरा थोबड़ा पूरा छुपा लूँगा इसको। ये है 50 रुपीज़ का, ठीक है। इसको अगर मैं आपको टीयर करके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका फीलिंग देख सकते हो अंदर, ओ भाई गजब। और साथ ही साथ भाई इसके साथ है उसी 50 रुपीज़ प्राइस में यहाँ नान है, नान भाई यहाँ 2 पीस नान है, और बहुत सारे स्लाइसेस हो सके हैं क्योंकि नान का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, ठीक है। तो चलो भाई, अब हमारा टाइम है इसे टेस्ट करने का, क्योंकि इसी का वेट आप सभी कर रहे हो और खासकर मैं कर रहा हूँ। तो भाई देखो, शाकाहारी इतना देर से खा रहे हैं, ठीक है, और सावन तो पूरा पार हो गया, अब चलो नॉनवेज से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कितना भाई, क्या प्यार से निकल रहे, देखो ओ भाई क्या ग्रेवी है, देखो मतलब कितना प्यारा लग रहा हो, कितना सॉफ्ट है, ठीक है। और साथ साथ इसका लच्छा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। लच्छा यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा लच्छा तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 लच्छा लेता हूँ मैं, ठीक है, बस ट्राई करने के लिए। तो लच्छा भाई कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो पूरा एकदम उसका लेयर बाय लेयर जितना है एकदम प्यार से दिख रहा है। तो लच्छा को ट्राई करते हैं भाई अपने चिकन बटर मसाला के साथ में, और लच्छा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बटर लगाया गया है, क्योंकि अगर आपको अपने फिटनेस वगैरह को उतना टेंशन नहीं है तो भाई मज़ा आने वाला है आपको। तो भाई यहाँ चिकन कितना ज़्यादा सॉफ्ट है भाई, कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसका ग्रेवी में डिप करते हैं भाई। ग्रेवी, ये वाला जो ग्रेवी है भाई प्योरे से बनाया गया है, ओ भाई क्या खुशबू है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट आ रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट आ रहा है। ये जो पीस है ना अंदर जा रहा है ना तो घुल रहा है पूरा, जो इसका ग्रेवी का फीलिंग है या जो भी इसका स्पाइसेस है अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर आ रहा है, और इसके साथ में भाई ये एक एलिवेशन हो जा रहा है टेस्ट का, जो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है, बहुत बड़ी बात है। टेस्ट इज भाई रियली टू द हिल। अपने वेज आइटम में इसको इसी को यूज़ कर लेते हैं भाई, क्योंकि हम लोग तो अब नॉनवेज ट्राई कर चुके हैं, तो वेज नॉनवेज क्या करें। क्या डार्क कलर आया भाई, देखो पनीर, देखो कढ़ाई पनीर का क्या डार्क कलर आया। यहाँ पनीर लेते हैं अपना, एक नान ले लेते हैं भाई, देख सकते हो नान भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है भाई। ये देखो एक बार में ये नान निकलेगा, एक बार में भाई, भाई इस तरह के एम्बियंस में बैठकर इस तरह का कहने को बोलोगे ये धावा है, मतलब यहाँ पे आलू पराठा का जो है, फिर मतलब पराठा का ही बहुत सारा वैरायटी है, मोमोज की वैरायटी है, तंदूर वाले जितने भी डिशेज उसकी वैरायटी है, प्लस एसी रेस्टोरेंट वगैरह बहुत कुछ है। अब पनीर देखो कितना सॉफ्ट है भाई, प्यार से निकल रहा है, ये देखो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, देख लो आप खुद से देख लो। चलो इसको फिर ट्राई करते हैं, देख सकते हो नान भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे फुला हुआ भी है और साथ ही साथ सॉफ्ट भी है। अब इसे ट्राई करते हैं, hmm.
जैसे कि मैंने बोला था सॉफ्टनेस तो भाई नेक्स्ट लेवल है। पनीर भी भाई बहुत ही मतलब फ्रेश यूज़ किया गया है, क्योंकि पनीर को टेस्ट करने से पता चली, ये देखो भाई पनीर कैसे टूटा है, ये देखो बहुत ही फ्रेश पनीर है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आ रहा है। खाना का टेस्ट का बात करूँ भाई, आप उंगली चाट जाओगे। और जिस फूड प्राइस में, जिस प्राइस कैटेगरी में ये मिल रहा है ना, मानना पड़ेगा। अगर आप लोग ड्रिंक करते हो, आपको बार भी जाना है, तो भाई जस्ट बगल में बार है, जा सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो भाई हमारा ये फूड था, ये मेन कोर्स था, तो हम लोग अपना जो पूरा रिव्यू है, ओवरऑल रिव्यू है, चलो आपको बाहर देते हैं भाई। सो गाइस, ये हम लोग का फूड जो था हमने आपको दिखा दिया, अब चलो रिव्यू बताते हैं, ठीक है। रिव्यू तो बताता हूँ, और साथ ही साथ भाई हमारे साथ हैं अजीत भैया, जो कि यहाँ के कुक हैं और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी जयसवाल ढाबा को। तो भैया बताइए अपने बारे में और जयसवाल ढाबा के बारे में थोड़ा सा, आप कब से हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे 5 या 6 साल हो गए जयसवाल ढाबा मेरे को आते हुए। हाँ। सारा कुछ आपने फूड हमारा चेक किया, आपको बहुत सही है भाई, बहुत सही है आपको, बताइए आप, खतरनाक टेस्ट लगा। हमारे स्पेशल में भी बहुत वैरायटी है, पराठा हमारा बहुत अच्छा है, और भी तंदूर के स्नैक्स हमारे स्पेशल है, बहुत सारी डिशेज अपनी इंडियन भी है वो भी स्पेशल है। और पनीर का राज बता दीजिए थोड़ा। पनीर का हमारा राज ये है, जैसे हम अपना खुद का डेयरी है अपना, खुद अपनी हम भैंसे रखते हैं, उनका खुद का पनीर बनाते खुद के अपने हैं। हाँ, खुद का अपना, मार्केट से हम नहीं मंगाते पनीर, मार्केट से पनीर नहीं आता है भाई, और टेस्ट भी तो भाई लाजवाब है पनीर, ये अपना हम खुद का ही देते हैं। गजब है भाई, और बुलाते रहोगे हमें? हाँ जी सर, आप एकदम, आप जो टेस्ट बताए हो या खिलाए हो ना, मतलब जुआ से दिमाग दिल सब तक चला गया है। और थैंक यू भैया हमारे साथ रहने के लिए, और हम लोग जरूर फिर से आएंगे। और जयसवाल ढाबा का टेस्ट तो भाई फेमस है, और ये पहला वीडियो, तो भाई सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं एक नए दिन एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।